कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, गुलाम नबी आजाद साहब, गुलाम नबी आजाद साहब, एमएलसी सुभाष गुप्ता जी, एमएलसी सुभाष गुप्ता जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, काम किया और लोगों के बच्चे दे हर ग्रां ग्रां में पैसा लाया हूँ एक साड़ा भी एक काम किया अं इनका कर्जदार हाँ क्योंकि पहला जो मौका दिता एम एल ए जी को टिकट मिलती है अगर हाई कमान फैसला करती है तो सारे लोगों का सारे का एक मान धर्म करना एक अपने कसम खाई है असं इनका कर्जदार मकाना ठीक है साड़ी पार्टी ने सू बनाया लेकिन असें वो ये नहीं दिखा कि मैं वोट नहीं ले तो ये काम नहीं करने साड़ी टीम के सिर और जिया अगर इलेक्शन कुसा बेले भी हो सकते तुसें जड़ियां पहले सरकार दिखिया उन्हें थोड़े कन्नै के वादे किए हे ये भी तुसें सुने उन्हें आख्या हा कि जी तेल बड़ा महंगा भेजती है कांग्रेस अस सस्ता करके पेट्रोल की गल करते 65 रुपये होंदा हा 100 रुपया टपाई उड़िया हुण आने वाले दिन शायद 120 रुपये हो ही आ 80 रुपये 90 रुपये खाने वाला तेल हा तुसें देखिया 200 रुपये दे की टच करा दा सिलेंडर 450 दा हा 1000 कोला उपर हो ही आ ये इंदा हा जिहड़ा महंगाई पर वादा कीते दा क्या उहदे पर खरा उतरे जा नहीं उतरे हुण तुस आपू सोचो उतरे खरा इहदे पर अच्छा थानू 35 किलो राशन प्रति राशन कार्ड थोंदा थोंदा हा नहीं थोंदा अज के 4 किलो 5 किलो खंड गैप करिए जेड़े लोग इन्हें अजय के बनाया फूड सिक्योरिटी एक्ट फूड सिक्योरिटी एक्ट के बगैर 35 किलो राशन थोंदा हा जदों दा इन्हें फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया उहदा मतलब होंदा कि कोई भुखा नहीं रोग केड़ा कानून बनाया इस गवर्नमेंट ने कोई भुखा नहीं रोग ते आटा इन्हां इन्हां जेड़ा इन्हें गल्लां आखियां उहदे कोला उल्ट काम किया इन्हें आख्या 2 करोड़ रुजगार जेड़े ने वह देगे अस जिहड़े पढ़े लिखे दे युवा ने मगर इंदे गै अंकड़े अस अगर जेल्लै दिखने आ 12 करोड़ कोला ज्यादा नौकरियां लोकें दियां चली गईयां यह है कि एक नुमाइंदा तुहाडे च चुनिया जा तुहाडियां समस्या तुहाडियां परेशानियां जिहदे कन्नै तुसीं शेयर करी सको जिसी तुसीं सुनाई सको तो अगे पजाई सके इसलिए जिहड़े मौजूदा हालात ने जम्मू कश्मीर दे विच ओह हालात ने फाइलें पर चलने वाले अज एक ऐसा दौर है कि अज मी लगदा कि तुस अगर तहसील दे दफ्तर चली जाओ तुस अगर बी डी ओ ब्लाक चली जाओ तुस अगर डीसी दे दफ्तर चली जाओ तो मैले कपड़े वाले आदमी जी दफ्तर दे अंदर चपड़ासी भी नहीं बन दिंदा इस करियै डेमोक्रेसी इस करियै बनाई गई कि एक नुमाइंदा जिहड़ा तुहाडा होग उसी हमेशा तुहाडे कन्नै मतलब होंदा मतलब की होंगे कि 5 साल के बाद हम थोड़े को दोबारा मंगन आना होंगे क्योंकि थोड़ी वोट की ताकत जी है वह ताकत उसी आदमी की अगर पजा दी होंगी तो इस करिए थोड़े कहना जुड़ा रहा थोड़िया समस्या थोड़िया मुश्किलात तुहानू किसी भी प्रकार का कोई दुख हो तकलीफ हो थोड़े कहना बराबर का हिस्सेदार बनिया रहा क्योंकि उसी पता है मैं 5 साल के बाद जाना लेकिन अफसरशाही जी है अफसरशाही की इस गल का कोई एहसास नहीं है अफसर की पता मैं 2 साल वास्ते वीडियो बनिया जाना मैं 2 साल वास्ते तहसीलदार बनिया जाना मैं 2 साल वास्ते इस एरिए पटवारी बनिया जाना उसकी कोशिश रही कि जिन्ना इनकी मैं चमड़ी इंदी उदौड़ना उन्ना गै खरा और तुहानू लोकें आखा कि तुस अपनी मर्जी दे नुमाइंदे चुनदे और नुमाइंदा जिहड़ा चुनदे हे उहदी भी कोशिश चाहे होंदी ही कि वह लोकें दी सेवा करे लेकिन जदों दा इह सरकार आई दी है बीजेपी की उदों दा इत्थे जदों गवर्नर रूल आया और जिस ढंग कन्नै इत्थे अफसरशाही होई गई साडे लोकां दे काम नहीं होए पहले नंबर पर तो जिले ने सरकार बनानी ही चाहे वह सेंटर च चाहे स्टेट च इन्हें इको गल की झूठे वायदे किए इन्हें आखिया कि थोड़े खाते 15-15 लाख रुपया आई है ना सानू वोट पाओ इन्हें आखिया 2 करोड़ बच्चे की असें रोजगार देकर सानू वोट पाओ इन्हें आखिया महंगाई दूर कर देकर सानू वोट पाओ इन्हें आखिया बार्डर पर शांति कर देकर सानू वोट पाओ इन्हें आखिया कि बहुत बड़ा फायदा साढ़े रियासत गी अस देगे लेकिन जिन्ने भी इन्हें वायदे किए चाहे नौकरियां देने की गल की चाहे महंगाई दूर करने की गल की चाहे डिवेलपमेंट की गल की इन्हें कोई अज तक कोई उ काम नहीं किया जेडे इन्हें वायदे किए हैं अज हर जगह लोग परेशान न इनकी जी पॉलिसी है इनके प्रोग्राम न और वह भी दौर देखो 2014 को पहलों
इतने तुम चुनते हे, लोग बनते हे, लोगों की सेवा करते हे। अज कोई सुनाई नहीं है, जो कुछ ट्रांसफार्मर सड़ी जाता 15 दिन नहीं लगता कोई पुछने वाला नहीं है, जो कुछ पानी नहीं आता कोई पुछने वाला नहीं है। जिस ढंग ने साढ़े जोड़े भ्रा इतों के किसान जोड़े 2 कनाल 4 कनाल 10 कनाल सरकारी रकबे काबिल है, तो एक साड़ी सरकार आई है जल्द आजाद साहब चीफ मिनिस्टर बने, उन्हें रोशनी एक्ट बनाया, उस एक्ट उन्हें मालकी देनी ही, लेकिन अज इन्हें एक्ट भी खत्म करता, उल्टा उन्हें लोगों दरदोरियाँ कैंसल करती, जिड़िया कि इन्नी देर के 50 साल के 60 साल के वो बंजर जगह पे रही जी, इन्हें पुट्टी लोगों मेहनत करिए बनाई अपनी रोजी रोटी चलाई, और वो जगह भी खाली कराने देने की कोशिश है। और इंदे आने कन्ने लोग ये महसूस करते हैं कि सानू कोई फायदा नहीं होया, और खास तौर पर स्टेट टुटने के बाद जी साड़ी एडी वड्डी स्टेट ही उसी ने तोड़ी दिता, यूटी बनाई थी, और उदे कन्ने भी सानू नुकसान होया। सानू उस वेले दसदे कि नहीं जी इत्थे फायदे होणगे, लेकिन अज के हो कि अज बाहर दे लोकें गी जे साडे बच्चे ने कोई अप्लाई किया कुते ते बाहर दे लोग भी बिच आई जांदे, वो साडे लोग कंपीटीशन च उंदा बराबर ही नहीं कर सकदे, वो लोग इत्थों दी पोस्टां भी ले जावे, अज बाहर दे अफसर इत्थे लगा दे। अज तुस जिस ढंग कन्ने जिहड़ा इह माहौल बने दा, इह माहौल कोई अच्छा माहौल नहीं है। जियां मेरे साथी आखिया कि साढ़े टाइम पर राशन मिलता हा, खंड मिलती, अज खंड बंद है, राशन अगर 35 किलो एक राशन कार्ड मिलता हा, अज 35 किलो नहीं मिला दा, 5 किलो 7 किलो मिला दा। अज बिजली का तुस दिखो कि साढ़े टाइम पर बिजली के किराए किन्ने हे, इंदे टाइम किन्ने बधी है। अज पेट्रोल की कीमत उसले के ही 50 रुपए 40 रुपए लीटर ही डीजल पेट्रोल की, अज 100 कोल पुजी है। अज गैस का सिलेंडर 2014 च 340 रुपए का हा, अज गैस का सिलेंडर 1000 करोड़ टप्पी है। कोई चीज़ भी दिखो महंगाई कितनी हुई है, बच्चे ही रोज़गार नहीं दिता, जदों दी इन्नी सरकार आई एक बच्चा ने नौकर नहीं कराया, और अस दावे कन्नै आखी सकने कि असें अपने टाइम से इत्थे भी 2-4 नौकर कराए होने, हर जगह नौकर कराए, और नौकर कराइए डेली वेज जिहड़े मुड़े लगे दे ना किन्ने अरसे दे, इन्हें उन्हें ही पक्का नहीं किया। अज वो भी कई लोग परेशान, नवी नौकरियां कोई नहीं दित्तियां, इन्हें आखिया कि इतने 12 इंडस्ट्रियां लग गए, नवी इंडस्ट्रियां लग गए, साढ़े लोगों की इंडस्ट्रियां प्राइवेट नौकरियां मिलनगियां ना, इन्हें कोई नवी इंडस्ट्रियां लाइया। तो आखने का मकसद यह है कि इसलिए दोबारा एक मौका आता थोनू, तो झांसे च नहीं आयो, कोई हिंदू मुसलमान की गल नहीं सुनो, तुम इमानदारी कहने एक फैसला करना है कि थोड़ी इतों की डिवेलपमेंट कौन कराई सकता। मेरे साथी आख्या कि गुलाम नबी आजाद साहब इतने चीफ मिनिस्टर रहे 2.5 साल, और 2.5 साल जोड़े वो चीफ मिनिस्टर उन्हें बेहतरीन काम किया साढ़े रियासत की तरक्की वास्ते, साढ़े लोगों के अच्छे वास्ते, उन्हें बड़िया स्कीमें कड़ियाँ। अब मेडिकल कॉलेज कठुआ बनया, उनकी बदौलत बनया, अब एजुकेशन हर जगह डिग्री कॉलेज बनाया, उनकी बदौलत बनया, अब तहसील थोई मढ़ीन तो उन्हें दिती, बस उन्हें ही पिंड की हर समस्या के बारे में जानकारी ही, और सानू लोगों भी थोड़े कन्नै राबता हाँ, और अस भी थोड़े कन्नै राबता रखते हैं, जिहड़ियां थोड़ी दुख तकलीफ होंगे उन्हें गी हल करने की कोशिश करते हैं। मेरे को मैं जो MLC नहीं भी आया जल्द बने तो भी इतने रोंदा हाँ, और तकरीबन रोज़ अस इधर आते हैं, जो भी मेरा साथी मेरा भरा मेरा बजुर्ग सानू कोई दसते होंगे अस काम करते, और MLC बनिए इस पिंड दी जिहड़ियां डिमांडां ही, चाहे वह सड़क बनाने की गल ही, चाहे वह पुली बनाने की गल ही, चाहे इतने ट्रांसफार्मर लाने की गल ही, चाहे जो भी डिमांड साढ़े कोल आई, जां खंभे लाने की गल ही, असें उसले भी वो काम किया। सानू शौक हाँ काम करने का, असें शौक कन्नै काम किया, असें इमानदारी कन्नै काम किया, असें इस ढंग कन्नै किया कि लोगों की बेहतरी किस ढंग कन्नै होई सके।